सा है सारी कल छुट्टी हो गई असल में वो तबीयत थोड़ी सी खराब थी वो तबीयत का नहीं जिन दिनों ऊपर नीचे ना तीन चार दिन सुबह जल्दी का कॉल टाइम था किसी ना किसी हाँ। शूट का अच्छा पता हो ना कि सुबह सात बजे कहीं पहुंचने है छः बजे का कॉल टाइम है नींद ही नहीं आती सोया ही नहीं जाता वैसे ये मेरे साथ भी मसला है कि अगर मुझे सुबह जल्दी उठना हो ना लाइक like, स्पेशली मुझे अगर इस्लामाबाद जाना है ना और वो अगर मैंने सुबह जल्दी में जाना है मैं मे, मेरे सोना खत्म एंड ऑफ स्टोरी फिर दूसरा ये है कि वो लाइव के बाद थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी बहुत enjoy किया था बिकॉज पैनल पर काफ़ी मज़ेदार लोग थे लेकिन अल्लाह की कस्बे तीन दिन मैं सौ सो के गुजारे जस्ट टू गेट माई एनर्जी बैक नहीं थी एनर्जी दूसरा हमने ना फ्राइडे को बल्कि एक शो रिकॉर्ड किया था जो हाँ। हमने एयर नहीं किया उसकी वजह कि हमें इतनी आज पड़ गई थी लाइफ की हम इतना लंबा कर रहे थे सब कुछ, हाँ। कुछ हाँ, तो बिना वजह चली जा रहा था तो इसलिए मैंने भी पूछा था कि वो क्यों नहीं किया। मैं कहा ठीक है लेकिन ये है कि अब हमें हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं Absolutely live हाँ, live transmission live transmission तक, कित, I hope आई होप तक मेरी family भी comfortable हो जाए इस idea के साथ कि ये औरत घर से बाहर रह सकती है दस बजे के बाद वरना जोड़ा फीता मेरा शुरू हो जाता ना उसकी भी वजह है कि मैं ज़्यादा देर बाहर रह नहीं पाती हूँ पर एनी वे अच्छा जी सो विल स्टार्ट ऑफ विद्रो वेलकम बैक मैं आप लोगों को क्या करूँगी बिजली महंगी हो गई है या होने वाली है मतलब अभी ये कह रहे हैं कि जी टैरिफ उस पर आया नहीं है फलाना टमकाना लेकिन मंजूरी जो इन प्रोसेस है वो है थ्री रुपीज नाइन्टी नाइन पैसा पर यूनिट के हिसाब से अली सोलर जो है ना उसके ऊपर वैसे शबाज़ शरीफ ने वो सब्सिडी हटा के टैक्स वगैरह हटा के ना अली सब्सिडी नहीं सॉरी टैक्स हटा के जो है ना काफ़ी मेहरबानी की है और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा से ज्यादा लोगों को स्विच कर जाना चाहिए बिजली नहीं रुक रही वन टाइम कॉस्ट जो है वो तो देनी पड़ेगी बाकी वो अच्छी चीज़ है सोलर है फिर वही है ना जो बंदा किराए के घर पे है वो कहता है कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं जो बंदा जिस बंदे की प्रॉपर्टी है लेकिन उसने किराए पे दी हुई है वो कहता है मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं जो रहता है अपार्टमेंट्स में वो कहता है कि अच्छा जी ऊपर अगर लगाएंगे तो कौन कितना यूज़ करेगा बहुत सारे मसले हैं हाँ। अभी खैर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है मेरे ख्याल में पैनल्स छोटे से छोटे होते जाएंगे उनकी पावर जनरेशन बड़ी से बड़ी होती जाएगी फिर इवेंचुअली सब कर सकेंगे वैसे तो सुना है इस, इस किस्म की भी टेक्नोलॉजी आ रही है बिजली की के मसाइल ये सब खत्म हो जाएंगे लेकिन फिर वही बात है वो चार पाँच साल लगेंगे उसको दुनिया में आने में फिर दस साल लगेंगे पाकिस्तान में आने में यहाँ पे तब तक यहाँ पे वैसे ही पानी भी खत्म हो रहा है मेरी तो सबसे बड़ी टेंशन ही ये है कि जेड़ा ना सी टैंकराते आ जाना है तो पता नहीं क्या फ्यूचर है बट इफ़ यू कैन अफोर्ड तो प्लीज़ जरूर कर लेंगे के घर पे भी है ना कर इन्वेस्टमेंट सारा सिस्टम बता के आप दूसरे घर में लेके जा सकते हैं ना हाँ लेके जा सकते हैं लेकिन फिर उसकी फिर एप्लीकेशन बदलेगी आ, नेट मीटरिंग की फिर वो नया मीटर लगेगा की है फिर वो, वो मतलब काम बहुत ज्यादा है असल में तो ये है कि फिर वही बात ना हुकूमत अगर ये आसान कर दे हाँ। सब लोग अभी से अपने मीटर बदलवाने शुरू कर दें और वो लगने शुरू हो जाएं तो फिर ये है कि फिर कम से कम किसी को ये मसला नहीं होगा तो मैं अपना के जा रहा हूं। तो भी देखा बाहर चिड़ियों का पानी खत्म हुआ हुआ है दोपहर को तो मैंने ना हाँ। वो पानी बाहर से भर के तो अब वो पाइप बाहर वाले नलके का बाहर से ही आता है मैंने भर के तो वो मैं लेके जा रहा हूँ तो वो हल्का सा ना मेरे हाथ पे गिर गया ਮੈਂ ਫੌੜਨ ਰੋੜਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਜੰਤਵਾਵਾਂ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਣ अब <laughs> <laughs> मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है लेकिन मैं ऐसे ऑफ कैमरा पूछूंगी मैं ऑन कैमरा नहीं पूछ सकती दूसरा ये भी कि ये जो अभी सुबह सुबह जो मैं निकल जाता था ना कामों पे और रात नींद नहीं आती थी हाँ, बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था <laughs> <laughs> ले, लेकिन ना <laughs> बड़ी गलत महसूस करती वो एक और चीज ये जिस तरह इस वक्त भी मेरी ना आंखों के आगे वो अजीबो गरीब सी चीजें आ रही है मेरे दिल कर रहा है बस सो जाऊ वो दोपहर की गर्मी खाना भी जो है ना सर हम रोज खाते हैं वो हाँ मुझे एकदम से हमदर्दी पैदा हुई है सबसे क्योंकि मैं तो निकलता नहीं, नहीं। तो आराम से अंदर बैठे होते हो मैंने तो मैं इसके घर मेरा ऑफिस तो करीब ही है ठीक है मैं वहां से उठ के आती हूँ तपती दोपहर में साढ़े तीन चार बजे ठीक है और मैं यहाँ आती हूँ तो लाइट गई हुई है और उसके बाद में पंखा आहिस्ता कर दो मैं तंग अंदाजा है हम वहां से यहाँ तक की ड्राइव में ही बंदा पिघल जाता है आपकी गाड़ी भी तपी होती है हाँ वही वो बल्कि ये खबर में सो गई थी और वो हम फैक्ट्स तो उसके वो फिगर्स तो भूल गए हैं लेकिन मुझे इस महीने आया था कि रिकॉर्ड एक्सीडेंट हो गए हैं पंजाब में गाड़ियों के तो वो इसी वजह से हो मैं तो इस महीने में क्या हुआ है सिवाय इसके कि गर्मी, <laughs> गर्मी पड़ी है सारे हाँ। परामर्श ठीक है और बेतहाशाट्स और वो भी जो है। बाइक का मुझे खास तौर पर तो बेचारे मेरे ऑफिस के अंदर बहुत से लड़के इस तरह से हैं जो बाइक्स पर आते हैं इतने इतने ग्लव्स उन्होंने पहने होते हैं जस्ट टू तो प्रोटेक्ट दम और उसके बाद वो पहना होता है कुछ तो अपनी गर्दन भी कवर अलदा से करके आए होते हैं कि यार पे एग्जैक्टली सो इट्स नॉट ईजी टू मूव अराउंड तो आप थोड़ी कदर किया करें जो तो मैं रोज अपना जो है ना पिट्स लेके आपकी तरफ आती हूँ जब आराम से कंफर्टेबल बैठे होते हैं यहाँ पर याद नहीं रहेगा इसको <laughs> ये अभी <laughs> सो के उठेगा सब भूल गया होगा कि मैंने क्या बात की थी अच्छा और गाइस इसको ये भी कन्विंस करें कि जब ये बहुत नींद में होता है ना ये शो ना किया करे इट्स ऑल राइट इट्स फाइन नहीं नहीं वो पह पड़े ने मेरा तो जब मैं नींद में नहीं भी होता तब भी नहीं दिल करता ये तो पैसे हैं

इंजीनियर रहमान मैंने बड़ी कोशिश की जो 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 है ना ये नाम याद करने के मुझे लिखना रहमान साहब हैं हैं वो के जो है, वो पंजाब चीफ मिनिस्टर बन गए भी हो गया है गिलानी साहब आठ गया, गया क... हाँ, 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 अच्छा ये देखें ना कि इसका मतलब है कि सदर साहब को किसी ने समझाया कौन हो सकता है <laughs> पता नहीं।, <laughs> नहीं पता नहीं नहीं हमें नहीं, नहीं, नहीं पता।, बड़ा पता ना ना, ना अच्छा ना, बाहर ना। आ, ये अब जो है ना देखें ना। सदर साहब ने मुल्क के वसी तर मुफाद में फैसला किया है कि मुल्क को चलना चाहिए पंजाब सब सबसे बड़ा सूबा है उसको चलना चाहिए क्लैपू अलवी आरिफ अलवी थैंक यू सो मच सर आपकी अगर ये blessings ना होती तो हमारे ऊपर ये टाइम ना आता ठीक है और पंजाब इसी तरह सा चल रहा था लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि हमजा की यह like, so अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने एक मुझे मिले आ, साहब जिनकी नून लीग से जरा वस्तगी है तो मैंने उनको कहा कि वो ड्रेसिंग पे आजकल बड़ी बात हो रही है हमजा साहब की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो होने लगा है वो उसका कुछ ना कुछ करेंगे अच्छा मैं, मुझे समझ मैंने कहा जी क्या उन्होंने बताया मैंने कहा साहब छोड़ दो अच्छा खैर तो वो लेकिन आज वो फिर दस्तरखान का कोट बनवा के आए हुए थे आज <laughs> मैं सिर्फ एक चीज़ युरी? सोच रहा हूँ और वो ये है कि बाकी तो सब उनका जैसा दिल करता है बड़े प्यारे लगते हैं उनको पहनना चाहिए लेकिन इनके दौरे हुकूमत में जो अंडरपास और ओवरहेड बनेंगे उनके क्या डिजाइन तो होंगे पता <laughs> चलते भी दस्तखार पाए

<laughs> वो वो <आप> अब कुछ सोचेंगे <laughs> 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 वो है आपने एक दफा यू 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 हाँ। करके किया था होता है। तो खुद सोचोगे यहाँ पे जब तुम तो बिल्कुल ही घर से नहीं निकलोगे अली तुम्हें बाहर दुनिया के दुख और गम का कैसे एहसास होगा हां नहीं कलमा चौक के बस कलमा चौक और बेसिकली कजाफी स्टेडियम के करीब ये तो है हाँ, तो वो तो... कभी जंगलाबास बन रही होती है डेढ़ साल उसमें निकल जाता है <laughs> देवी अंडरपास बन रहा था <laughs> उसके टाइम हाँ, गया था कभी फिर वो जब ये कलमा चौक ओवर

अगर तो ये मुख्तलिफ सत्ताईस सौ लोग थे जलसे के ऊपर तो ज़रा सोचना चाहिए पार्टी को कि के साढ़े केहोजे फॉलोअर ने अच्छा और अगर ये एक ही बंदा था जिसने सत्ताईस सौ मोबाइल चोरी कर लिए तो आप सोचे उसके पास कैसा कैसा कंटेंट गया होगा और उसने तो देख के डिलीट भी नहीं करना आप ये सोचे कि वो सेल किधर करेगा कंटेंट अब सोचने वाली ये बात है सो यू गाइस नीड एक तो ए, ये मैं तो आपको बताऊ कि पहली बात तो ये नाजुक लम्हात में बिना

वो सेटिंग आप अपनी रिमूव कर दें मतलब अक्सर लोग मैं तो तो ऑन रखूं ना हाँ हाँ तुमने कुछ करना ही नहीं तुम तो कक एने कक नहीं करना सो लाइक ये तो रीशेयरिंग पे और होता है ये रीशेयर कर दिया वो रीशेयर कर दिया नथिंग इज गोना कम आउट ऑफ हिम तो आप आप इजी रहे ठीक है जी अच्छा जी बोले अच्छा इसी में ना मैं ये भी बता होते मेरी मजाल लाइफ के अंदर भी बड़े लोगों ने, हाँ। ने कहा था कि माँ हो का, माइक म्यूट कर दें <laughs> अली मैं कब पसंद की जाऊंगी मेरी पॉपुलैरिटी कब बढ़ेगी व्हाई एम आई सो अनबेरेबल आप लोग बता ही दें मुझे मुझे भी पता जदारी साहब से वो जो कॉल है आप सब ने उसके बारे में अब तक पढ़ लिया होगा सुन लिया होगा तजिए भी हो गया फ्रेंसिक भी हो गया तो उसके अंदर मलिक राज ने कॉल की थी सरदारी साहब को और जरदारी साहब को ये कहा था कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि कुछ करा दें देंदारी इम्पॉसिबल है ठीक है हाफ द टाइम ही वॉज कॉफिंग ठीक है अब वो कॉल हो गई सब कुछ हो गया किसी ने यह नहीं देखा कि ये जनवन है या क्या चीज़ है द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज के जरदारी स्मोकर हैं कि उनको खांसी लगी हुई थी या उनको कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ था दैट वॉज द इंटायर डिस्कशन आफ्टर दैट कॉल एक तो मुझे ये बताएँ कि ये कॉल वाकई इससे कोई फ़र्क पड़ना है इमरान खान के ऊपर फैल तो है, ये जो पहले स्मोकर वाली बात की है ना हाँ. आपने वो मेरा ख्याल, है ये मेरा ख्याल है मैं नहीं जानता इतने बीमार हैं अब तो वो हाँ, स्मोकर नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में वो जवानी में स्मोकर रहे हैं हाँ, हाँ. तो बहरल आपका नहीं पता और मेरा नहीं ख्याल क्योंकि बड़े बीमार है अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि वो जो ऑडियो है वो मुझे ये लग रहा है टाइमलाइन देख के कि उसके बारे में ये कहा जा रहा है की अभी की ऑडियो है ये अभी की ऑडियो नहीं है मतलब सही है गलत whatever, हम, मैं नहीं क्लेम कर रहा कि सही है लेकिन नहीं, नहीं नहीं इट वॉज जस्ट बिफोर वी, वी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस oh, okay, हाँ okay. तो ये है तब की सही गलत हमें, हमें नहीं, नहीं, पता. नहीं पता हमारे पीछे ना पढ़ना ठीक है हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो लोग बात कर रहे हैं हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ लेकिन फर्क किसी चीज का कोई नहीं पड़ता है इमरान मैंने कहा देखा इमरान खान को वो जो मर्जी कह जाए उनके बाद लीक भी हो जाए सब कुछ सामने आ जाए इमरान खान का कुछ नहीं ना बिगाड़ सकते नहीं तो सच अ फोर्स हाँ जबरदस्त बात है गुड फॉर हाँ. हिम बाकी हम ये मतलब वो जो कह रहे हैं ना कि हमें नहीं पता और हम इस पे हमें ना गाली मतलब हमें गाली मतलब इस खबर में हाँ। हमें इमरान खान और पीटीआई से खतरा नहीं है मलिक साहब ना नाराज हो जाए

ये लोग एमी सोना सोना खरीदते हैं है सरिया खरीदो <laughs> अगर आपके पास कोई जगह है ना रखने की तो आप सरिया लेके रख दे बेस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्चुअली लोगों के काम की मतलब ये जेवर जूवर तो लड़कियां पहनती हैं हमें समझ ही नहीं आती और वो पहनती स... भी नहीं है यार सरिया तो चाहिए ना मतलब जो घर बनाना है तो सरिया चाहिए सब तो मजबूत बेमिसाल ठीक है तो प्लीज इन्वेस्ट अच्छी है इसमें आप कर लें और गोल्ड जो है ना अगर पड़ा हुआ है ना बेच के कार ले लो क्योंकि मैं भी शायद मेरे ख्याल से यही करने वाली हूँ मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही है अब मुझे एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे घर खरीदने के लिए कुछ, ए... कुछ ना कुछ करके तो मैं नाना हर चीज में पानी आ करो मैं महीने तक कार तीन का मुश्किल मुझे मिल रहा है तो वो तो आ ही जाएगा ना दुआ करें वो जो है ना कि वो भी है ना दुनिया

आप दुबई में भी देखो दुबई में भी अल्लाड ऑफ इंडियन फैमिलीज आप उनको देखो क्योंकि उनके बच्चों ने पहनी हुई है ठीक है और उनके बेटों ने भी पहनी हुई है कंगन वगैरह इस तरह के गोल के अंदर जस्ट मूविंग अराउंड कैजुअली कोई मसला ही कोई नहीं संग तो चुपके ला जाओ सोने इधर आओ अच्छी जी एक खबर जो है वो चुपके लेके जाते होंगे जो असल मसला है वो ये है कि शौक किस किस्म का शौक है ये है ना वैसे <laughs> वाकई अच्छा चलिए आपने खरीद के रख लिया वो एक अलग बात है आप किसी मौके पे जाके क्योंकि सोने की कीमत हर वक्त बड़ी रहती है आप बेच दो कुछ खरीद लो पाना शौक है कि लाइक यू हैव इट एंड देन यू आर वेयरिंग इट सो कैजुअली हाँ वो जो है ना मतलब वही वाली चीज़ की ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਤੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ویسے ਦबई ਮੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਦੀ ਰੇਚੀ ਸਾਪ ਸਮਝੇ ਸਭ ਕੇ ਪਾਸ ਉਹ ਹਮਰ ਥੀ ਅਲਰਾਇਟ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੇ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਅਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ بڑا ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਰਾਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਹੈ उसकी वजह yes. ये है कि जब आप वो बेचने जाते हो तो वैल्यू ही कोई नहीं अच्छा गोल्ड की वैल्यू है yes. लेकिन उसमें ज्यादा हा, तो हाँ। ले, सारे रखे हो अपने लॉकर में जब आप काम जाओ किसी से मिलने चलने तो आप जो है ना एक रख लो जेब में वो थोड़ी थोड़ी बार निकाल के ना हल्का सा ऐसे दांतों के दौरान करके उसको फिर अंदर रख दो

अच्छा एक सैड खबर से पहले मैं आपको ये बता दूँगी ये भी वैसे सैड ही है दिस इज काइंड ऑफ डेंजरस न्यूज़ जो के पी के सी एम है महमूद साहब उम महमूद साहब उन्होंने ये कहा है कि आई विल यूज़ द फोर्स इफ़ अगर पंजाब पुलिस ने जो है एक्शन लिया इन द नेक्स्ट लॉन्ग मार्च ठीक है ये तो मामला मतलब स्टेट जाहिर सी बात है वो सीएम है वो स्टेट मशीनरी सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं और इमरान खान भी उत्त ही डेरे ला के बह गया है बनी गाना भी नहीं जानता पाया यार हालात को ज़्यादा खराब करने के चक्कर में तो नहीं है अल्लाह ना करे बस दुआ यही करनी चाहिए कि हालात सब काबू में रहे सब कुछ ठीक रहे अमनो अमान से सारा कुछ हो जाए तश्वीशनाक है सूरत हाल और बेसिकली फिर वही बात है कि मतलब उम्मीद सिर्फ इस चीज़ की है कि ये जो सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं ये सोच रहे हैं मतलब फिर भी बात है कि लॉन्ग शॉट है इस तरह हो नहीं सकता खुदा ना खास्तः खुदा खास्ता अल्लाह माफ़ करे होना करे। चाहिए भी नहीं है लेकिन वो जो है ना कि अगर वो के पी से पुलिस फोर्स लेके आ जाए और यहाँ से पुली, कैपिटल और पंजाब की पुलिस वो पुलिस वर्सेस पुलिस तसाद तो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे ये चीज सोच के आ, मतलब काम पर जाता है बंदा तो फिर वही बात है कि लॉन्ग शॉट अल्लाह ना करे लेकिन बस जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं बस वो ये सोच रहे हो ताकि मतलब खुदा ना खासा कोई ऐसी सिचुएशन बने तो उसको हाउ टू काम लाइक हाँ। आपने आ, मतलब मैं कम्पलीटली अग्री नहीं करती सिटिंग गवर्नमेंट का जो भी उन्होंने किया था धरने को उसको रोकने के लिए या वट एवर देर वॉज ठीक है मतलब एग्रीवेटिव होती है ना सिचुएशन जाने देते उसको आराम से ना इतना फटा पड़ता आप भी थोड़ा सा सोच लें आपने मुझे पता है एंगस्ट है आपके अंदर की जी केसेस हुए ये वो ठीक है आई अंडरस्टैंड लेकिन आई थिंक

ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸੁਣਨੇ ਮੇ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਬੜਾ ਚਾਰਜਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਲੜਨੇ ਮੜਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ अच्छा और बेसिकली उन्होंने वो करके लाया कि अच्छा नहीं बट ठीक है ना कुछ अच्छा अब ये पोलिटिकली तो बड़ी लेकिन लेकिन तो नहीं सकते दूसरा फिर वही था कि हमने जिस तरह से पहले पच्चीस प्रोग्रामों में यही कह रहे थे इमरान खान साहब एक करोड़ साठ लाख लोग लेके भी जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो फिर करेंगे क्या अच्छा वो क्योंकि ये जिस तरह से हुकूमत बदली है ये है तो आई नहीं तरीका था ना वोटिंग हुई है पंजाब में तो चलो आप कह तो कुछ भी नहीं सकते ही करते मतलब फिर मैं नहीं कह रहा उन्होंने करना था मैं ये कह रहा हूँ ठीक है वो करते तो फिर यही स्टेट मशीनरी अमल में आ जाती है यार स्टेट से लड़ना ना बड़ा मुश्किल रियासत के पास टैंक होते हैं ठीक है तो इसलिए

लेकिन फिर वही बात है यार रियासत से नहीं लड़ा जा सकता और ये इनको इस तरह से नहीं ये करना चाहिए था जो है ना टकराव की जो पॉलिसी है ठीक है जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर आई डोंट थिंक सो कि यू शुड बी हाँ दूसरे यार अब वही वाली बात है ना पावर हाँ। अब एक वीडियो की भी पावर है हाँ। ठीक है हाँ, किसी आप इस वक्त नून लीग वाले कोई सोफ़े पे बिठा के कहो कि डिफेंड करें मतलब शायद वो कोशिश कर भी ले लेकिन जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं ना गाड़ियों पे डंडे बरसते या घरों के अंदर घुसते वो लोगों को पता है कि ये नहीं होना चाहिए था ये गलत हुआ है ठीक है हाँ नहीं गुण। मैं गुण। मैं कुछ और कह रहा हूँ मैं कुछ और, आ, कुछ और कह रहा हूँ कि ये जो सीएम साहब ने कहा है ना हाँ, कि अब मैं तैयारी करके आऊँगा हाँ, अब और ये बार बार कह रहे हैं कि हम पता नहीं अब क्या लेके आएंगे साहब हाँ, इस तरह की बातें इतनी खतरनाक हैं वो ये है कि होना तो ये चाहिए जी हम दोबारा आ रहे हैं और पिछली दफा आपने जो किया पूरी दुनिया ने देखा है अब ना करना ठीक ये जो है ना मतलब फिर भी बात यार वो जो सेपरेटिस्ट होते हैं ना वो भी ये कहते हैं कि हमने आपके साथ नहीं रहना हाँ। ये कोई नहीं कहता कि मैं आ रहा हूं आप पे चढ़ाई करने हाँ। इस तरह नहीं होता तो मतलब एक तो हकूमत को चाहिए कि आप जब वो आने की कोशिश करें तो उनको आ लेने देख लेना यू हैव टेस्टेड द वाटर दूसरा ये है कि ये इस तरह की तड़िया सब लोग ना हुकूमत लगाए ना अपोजिशन लगाए अच्छा हकूमत का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है राना सनाउल्लास साहब समेत बाकी भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है हाँ। इन्होंने ना जुकते लगाने शुरू कर दी हाँ। अब राना साहब कह रहे हैं कि ये वो खान साहब ने कहा ना मैं तीस लाख बंदे लेके आ रहा हूँ दोबारा जबाऊंगा राना साहब ने कहा ये छह लाख बंदे ले आए तो मैं इसका कॉस ज्वाइन कर लूंगा अच्छा ये ना करें ये जब वो आए थे तारुल कादरी साहब इस्लामाबाद पीपल्स दौर, पार्टी दौर में पीपल्स पार्टी वो जब कहते थे मैंने मुजाकरात करने पीपल्स पार्टी के छः बंदे दौड़े दौड़े जाते थे जिसमें तीन फेडरल मिनिस्टर दो सैनिटर एक फलाना और बैठ के बातें हाँ जी सर जैसे आप कहेंगे वैसे होगा ये लटरन पटन जो आके बैठा होता है ना उसको फेस सेविंग चाहिए होती है क्योंकि उसने उठ के जाना भी होता है वो फेस सेविंग दें आप अगर एक पूरी पोलिटिकल पार्टी को रिडिक्यूल कर देंगे ना तो वो होगा ही कि उससे जो पूरा सिस्टम है उसको नुकसान लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि दूसरी तरफ से भी बयान मतलब, अब जो अभी रिसेंटली इमरान खान का है जो कल वो कह रहे थे कि शरीफ फैमिली से ज्यादा घटिया और जलील फैमिली जो है गलीज फैमिली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू absorb मैं समझती हूँ इस बात को बट वही बात है कि या तो फिर मुल्क चला लो ठीक है क्योंकि अगर आप आगे से उस तरह का रेस्टोरेंट शो करेंगे और उनको नहीं करने देंगे तो फिर तो मामलात नहीं सेटल होने वाले स्पेशली अंडर दिविन सर्कमस्टांसिस एक पूरा सूबे का वो सीएम जो है ना वो कह रहे हैं आओ जरा तुम तो आके के दिखाओ

बस।, बस और फिर इन्होंने वो कस्में खाई हाँ। कि हमने खुद सबूत देखा है वो छोड़ दे बस अब इस वक्त इसको ना दोनों से हमारी गुजारिश है कि आप याद आया तो वो मतलब तीस के बीस रुपए हुआ हाँ, तीस तीस है वो महंगा हुआ ठीक है और वो कह रहे हैं बार बार अब उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि जी मजीद तीस रुपए इनको मजीद वो किया जाएगा जो है महंगा है और मतलब वो आई एम एफ के प्लान के ऊपर वो आ ही गए हैं फाइनली और कुछ बिल्स वगैरह भी इन्होंने पास कर दिए हैं नैप से रिलेटेड बाहर की वोटिंग से और एवरी थिंग एल्स तो मे बी इट्स टाइम टू यू नो जस्ट मूव ऑन एंड लेट हिम डू वट एवर ही वांट्स देख लो यार यू हैव टेस्टेड हिम कितने को लोग आ गए कितना को हंगामा मच गया तो उसी पंगा लेता सी इस वास्ते हंगामा ज्यादा मचे थे, मच थे मैंने सुकून से ये भी होता मुझे जाना था बहुत पता नहीं खैर वो इस पे वो पेट्रोल वाली भी बात कर लें कि जिस दिन पेट्रोल बढ़ा है तो रात को लाइनें लाइनें लग गई थी मुझे समझ नहीं आता कि हाँ उसमें जो है वो नहीं वो तीस रुपए बहुत बड़ी रकम है और वो जरूर बाइक वा, वालों को और छोटी गाड़ियों वालों को और सारों को का था नहीं गाड़ियों का भी जो गाड़ी भी छोटी फॉर्च्यूनर हाँ, खड़ी है ना? <laughs> इंजन बंद करके ठीक है कि उत्थे भी पेट्रोल ना लगे इसी तो बगैर बवाने नहीं लेकिन इसमें फिर कोई वही है मेरा तो ये ख्याल है कि ज़्यादातर फॉर्चूनर्स ने एसी भी लगाया होगा गाड़ी भी स्टार्ट रखी होगी और उनको ये भी पता होगा जाहिर है वो चलाते हैं उनको माइलेज लिखी आती है उनको ये भी पता होगा कि जा पेट्रोल जितने के हमने पैसे इस टैंक फुल में बचाए हैं उतने इसी ट्रिप में हमारे लग जाने हैं पेट्रोल में प्रॉब्लम ये है कि और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं वो जिस तरह यार दोस्त इकट्ठे होकर संडे को एक बकायदा रिचुअल के तौर पे पर ना कि आओ हां तो हां हाँ, एवरी संडे उस तरह ये है कि आओ पेट्रोल पान चलिए हाँ। क्योंकि कुछ और करने को ही नहीं है मतलब वही कहता था कि वो गरीब आदमी तो होता है ना कि जी बड़ा वो हालात बड़े खराब हैं बड़े मुश्किल है उसकी जिंदगी वो तो है ही वो तो गरीब है जो अमीर आदमी है जो जो कि फुल मतलब टका के दिन के पैसे कमा के घर आया है और अब उसने सोचा है कि आज रात कॉन्सर्ट सुनूंगा या लाइव म्यूजिक सुनूंगा तो कहाँ जाएगा वो गया आज फिल्म देखूंगा कौन सी लगी हुई है किधर तो वो एंटरटेनमेंट है ही नहीं कोई स्पोर्ट्स हो रही है कोई मैच हो रहा है ठीक है उसमें गर्मी भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लेकिन और बहुत सारे तो जब एक्टिविटी नहीं होती ना तो फिर होता है कि आओ फिर गड्डी पेट्रोल है साफ करा रही है <laughs> चलो मैं तो खैर उसको भी इंटरटेनमेंट कंसिडर करती हूँ जब अपनी गाड़ी की जो ना पूरी सर्विस करानी होती है जरा बंदा इधर उधर जाता है वो, आ, वो जो मोटर वाले हैं वो गाड़ी ऊपर जा रही है गाड़ी नीचे जा रही है बड़ा फैसिनेटिंग उस वक्त लग रहा होता है एंड ऑनेस्टली लाइक ये बात कहने वाली नहीं है और मुझे शायद फील भी नहीं करनी चाहिए बट एवरी सिंगल टाइम इस तरह का कोई डिसीजन आता है ना और सारे भाग रहे होते हैं एक अजीब सा थ्रिल आ रहा होता है कि यार देखो ये दे, दे हो रहे हैं। या तेरे पास पेट्रोल है या तेरे पास है दोड़ दोड़ गाड़ी जा रहे हैं, हैं, हैं। है। हाँ, है साढ़े दस पे रात के तो पेट्रोल डलवाना है मेरे घर के पास जो पेट्रोल स्टेशन थे ना वो पेट्रोल की मांग इतनी ज्यादा वहां पर हो गई थी कि नॉर्मली वो ना एटीएम मशीन आपके डेबिट कार्ड वहाँ पे एक्सेप्ट

जब भी पूछते ना कि आप कहाँ थी तो यहाँ में पेट्रोल डलवा है यही से यही इवेंट्स होते हैं जिंदगी के लास्टिंग इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता और नहीं मतलब आई वर्गनाइजेशन जहाँ पे हमें बहुत सारे इन्वाइट्स इस बात के आते हैं कि जी सिटी के अंदर ये हो रहा है या इधर फलाने अंदरून के अंदर हो रहा है बट दोस्त

इजर yeah, हाँ. तो आप तो जा ही नहीं सकते वही ना तो वो मतलब वो भी इतना लिमिटेड सर्कल है कि वही लोग आपको बार बार वहाँ पे मिलेंगे इसके अलावा कोई मिलेंगे भी नहीं और अगर आपके एक्सेस है और आपको मिल गए हैं कहीं पास कैन अटेंड वन अदरवाइज सो बहुत फुदान है